वेलकम टू माय चैनल एलन भाई। जैसे कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपको दो लेक्चर सीखे थे, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और उसके प्राइवेट और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को क्या नीति है, उसके एडवांटेजेस के बारे में। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन का आपको बताया था कि जो बेसिक ट्रांसपोर्टेशन होती है हमारी चलती आ रही, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग क्या होती है कि हम रूरल एरियाज मतलब अपनी सोसाइटी को भी देखते हैं, हाउसिंग को भी देखते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है हम अर्बन ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग करते हैं। ट्रांसपोर्ट प्लानिंग के चार लेवल्स बताए थे, ये चार लेवल्स के ऊपर जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। पहले लेवल के ऊपर सिटी ट्रांसपोर्ट बैलेंस को देखा जाता है, दूसरे लेवल के ऊपर मल्टी मॉडल नेटवर्क सिस्टम बनाया जाता है, तीसरा कोऑर्डिनेशन मोड सिस्टम बनाया जाता है, चौथे लेवल के अंदर प्लानिंग डिजाइन ऑपरेशन ऑफ सिंगल फैसिलिटी होती है। नेक्स्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो जो हम बसेस वगैरह ट्रेन यूज करते हैं, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट वो जो है ये हमारी अपने प्राइवेट व्हीकल्स होती हैं जो हम सिर्फ और किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट इसके एडवांटेजेस प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के होते हैं कि सेव टाइम सेव होती है, कंफर्टेबल होती है, कंसेशन सर्विस होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, पर्सनल सर्विस होती है, प्रोफेशनलिज्म होता है। जबकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर आपने देखा शोर शराबा दिक्कत तो के सब कुछ होते हैं। बेसिक जो आज का टॉपिक है पीछे से रिवाइज कराने का मकसद ये था कि आप पीछे वाला लेक्चर को नहीं भूलें। जो मेन मकसद है मेरा आज का टॉपिक ये था इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान जो है वो कैसे इफेक्ट हो भी दिया कि नहीं हो। कहते हैं एफिशिएंट मोबिलिटी इन सिटी क्रिएट्स इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, इनेबल ट्रेड फैसिलिटीज, फैसिलिटेट्स एक्सेस टू मार्केट्स एंड सर्विसेज एंड मेक एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। एफिशिएंट मोबिलिटी जो है हमने सिटीज के अंदर क्रिएट करनी है, ऐसी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी है। ऑफकोर्स जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्रिएट करेंगे तो आप देख सकते हैं कि उसे ड्राइवर्स की अपॉर्चुनिटीज होंगी, लोग के लिए रोजगार मिल गया होगा, डिफरेंट सेक्टर्स के ऊपर जो है वो स्टेशन बनते हैं वहाँ पर लोग चाहिए होंगे, अपॉर्चुनिटीज होंगी, मार्केट्स को जो है सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, एफिशिएंट यूज ऑफ सर्विसेज हो। एज पब्लिक ट्रांसपोर्ट फॉर्म्स ए बैकबोन ऑफ एफिशिएंट अर्बन मोबिलिटी सिस्टम, किसी भी एफिशिएंट अर्बन सिस्टम की जो है वो बैकबोन है पब्लिक ट्रांसपोर्ट। एडुकेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट प्रोविजन हेल्प्स मेक सिटीज मोर डायनामिक एंड क्रिएट एंड जॉब ऐसे। जैसे कि मैंने बताया कि जब हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स बनाएंगे तो ऑफ कोर्स हमें ड्राइवर्स भी चाहिए होंगे, कंडक्टर्स भी चाहिए होंगे जो इन सेक्टर्स के ऊपर हर चीज़ को कंट्रोल करें, मैनेजर्स भी चाहिए होंगे, ये सब जॉब क्रिएशन होगी ड्यू टू पब्लिक ट्रांसपोर्ट। तो ये इससे जो है इकोनॉमी के ऊपर जो है हमारा वो बेटर इफेक्ट पड़ेगा, हमारी एक इकोनॉमिक बूस्ट होगी, जॉब क्रिएशन होगी, जो लोग बेरोजगार है वो अपनी डिग्रीज के अकॉर्डिंग अपने एजुकेशन के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं, और जो इतने पढ़े लिखे नहीं है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि उनके पास स्किल सेट है, ड्राइवर है, कंडक्टर्स हैं जो मैनेज कर सकते हैं बस का, ट्रैक्टर्स वगैरह। प्रॉब्लम्स क्या थी अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, ट्रैफिक मूवमेंट कंजेशन, ट्रैफिक मूवमेंट एंड कंजेशन मतलब अर्बन ट्रांसपोर्टेशन जब ज्यादा हो जाएगी तो ट्रैफिक जो है वो मूवमेंट कम हो जाएगी, एरियाज रोड्स वगैरह सब कुछ तो वही है ना मेरे पास, कोई नया पाकिस्तान तो बनाने से नहीं, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट क्राउडिंग ज्यादा हो जाएगी, ऑफ पीक इनएडिक्वेट ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है वो ज्यादा हो जाएगी, डिफिकल्टीज ऑफ पेडेस्ट्रियन जो लोग बूढ़े हैं वो पैदल चलते हैं उनके लिए फुटपाथ कम हो जाएंगे, पार्किंग डिफिकल्टीज आएगी, हर जगह रोड हाँ नहीं यहाँ होते पे हैं मेमोज शुरू हो जाएंगे, तो जो आएगा। है वो पार्किंग डिफिकल्टीज, इन्वायरमेंट इफेक्ट सबसे ज्यादा इफेक्ट करना, नॉइस पोल्यूशन इंक्रीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस वगैरह इंक्रीज होंगे जो बहुत ज्यादा जो है वो इफेक्ट करती है इन्वायरमेंट को, शोर होगा, लोगों का एयर पोल्यूशन होगा, जोन डिप्रेशन होगी, ये सब जो इन्वायरमेंटल इफेक्ट में आते हैं। थैंक यू सो मच, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, मेरी वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फर्दर लेक्चर के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफिज़। मैंने आपको